टुडे डॉक्टर डीपी शर्मा हमारे साथ हैं, वो अपनी इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे और एक रिसर्च स्टूडेंट भी है हमारे साथ। प्लीज़ अंशुल, अगर आप यहाँ आ जाए दो मिनट के लिए। तो अंशुल इज़ अ स्टूडेंट ऑफ नॉन यूनिवर्सिटी, ही इज़ डन एमएससी, अब वो पीएचडी प्लम फार्मिंग पर कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर यूनिवर्सिटी और फार्मर के नज़दीक आए और वहाँ कुछ रिसर्च हुए तो वो उसका बहुत बिग एडवांटेज मिल सकता है कि ग्राउंड में क्या क्या दिखते हैं फार्मर को आती है और उसको हम रिसर्च लेवल पर ले जाएंगे और वो जो रिसर्च फाइनली होगा वो फार्मर फ्रेंडली रिसर्च होगा और उसकी जो जब इसकी एनालिसिस होगी वो सारे फार्म लेवल तक आ जाएगी। तो अंशुल इज़ विद अस हियर टुडे आल्सो एंड ही इज़ डूइंग रिसर्च इन प्लम फार्मिंग। तो वो कुछ दो तीन एस्पेक्ट्स ऑफ प्लम फार्मिंग देख रहा है, इन टर्म्स ऑफ कैनोपी कैसे मैनेज की जाएगी, ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे होगी और उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। जो डिजीज़ वाला टॉपिक है दैट इज़ नॉट बीन कवर्ड इन दिस पार्ट ऑफ द रिसर्च, दो वी कैन टेक अप दिस इशू विद नॉन यूनिवर्सिटी की डिजीज़ मैनेजमेंट जो प्लांट में होती है, जो लीफ कर्ल होती है, उसके क्या कारण है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेट अस सी हाउ वी कैन टेक दैट सब्जेक्ट मैटर फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब अभिनंदन आपका सभी का और सभी को मेरा सादर नमन। मैं धर्मपाल शर्मा, फल विज्ञान विभाग में इससे पहले मैं होता था, वहाँ चीफ साइंटिस्ट था मैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट कहते हैं। उसके बाद मैं डेढ़ एक साल से मुझे कृषि विज्ञान केंद्र कंडा घाट में भेजा गया है। तो ज़्यादा मैं जो मैंने अपना कैरियर शुरू किया वो बेसिकली स्पीति से किया, जो जवानी जो हमारी थी काम करने की जो क्षमता ही, मैंने 12.5 साल ताबो में लाहौल स्पीति में एट ए स्ट्रेच लगाए हैं। बाहर से कंपेयर करें, यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, जैसे कंडीशन में हम काम कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, चाहे जम्मू कश्मीर तो फिर भी बेटर है, पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इससे बढ़िया स्मार्ट हॉर्टिकल्चर कोई कर ही नहीं सकता, मेरा अपना ये मानना है, जो मेरा छोटा सा एक्सपोजर है, जो मैंने बाहर भी देखा है, वहाँ तो कंडीशन ही डिफरेंट है। वहाँ तो सब कुछ भगवान ने उनको ऐसा दिया है कि ज़मीन बहुत सुंदर दी है, क्लाइमेट उससे भी बढ़िया दिया है और उन लोगों ने उस ज़मीन को संभाला भी बड़े सलीके से संभाला है, सिस्टम से संभाला है। उनका सेटअप सोशल अलग है, हमारा बिल्कुल अलग है। तो अब रहना तो जन्मभूमि पे ही रहना है, जो अपने पास रिसोर्स है उसी से यूटिलाइजेशन करनी है। तो इस उसमें ये जो निचला एरिया था, ऐसे एरिया बहुत सारे हैं। अब हम मंडी, सोलन, सिरमौर के एरियाज देखें तो मिड हिल्स जो हमारी है वो सारी ऐसी है जहाँ सेब नहीं लग सकता है, तो विकल्प स्टोन फ्रूट, और स्टोन फ्रूट में भी विकल्प हमारा जो जिसमें अच्छा पैसा मिले। हमारे ज़िला सिरमौर में राजगढ़ में पीच पे काफ़ी काम हुआ, पीच की भी लाइफ थोड़ी शॉर्ट है, 90 के दशक में 2010 तक काफ़ी अच्छा काम था, अब वहाँ डिजीज आ गई, वो डिक्लाइन हो गया। खैर डिक्लाइन तो हर चीज़ में आएगा, आप यहाँ सेब में भी देख रहे होंगे, जो कभी प्रोडक्शन का लेवल था वो आज नहीं है, पुराने पेड़ हो गए, जो पीक थी उसको अब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो डाउनफॉल हो रहा है। तो ये नहीं है कि क्लाइमेट ही इसमें रीज़न है, बहुत बड़ा कारण तो है, पर एक लेवल के बाद, एक पीक के बाद डाउन तो होना ही है हर चीज़ का, कोई भी चीज़ है। आफ्टर ऑल प्लांट भी, उसकी भी एक लाइफ स्पैन है, इकोनॉमिक लाइफ स्पैन जब तक रहेगा तब तक तो स्टैटिक रहेगा, जब इकोनॉमिक लाइफ स्पैन से बाहर चला जाएगा तो उसने डिक्लाइन होना ही है, उम्र दराज जब होगा पौधा उसको भी डिक्लाइन होना है। मैनेजमेंट बेसिकली जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो तो फार्मर से ज़्यादा किसी को भी नहीं होता, हमें भी नहीं होता उतना प्रैक्टिकल, जो जितना आप प्रैक्टिकली पौधे से जुड़ के उसका रिस्पॉन्स जानते हुए बिहेव करते हैं और उसको समझते हैं, वो प्रैक्टिकल बात वो है। अब जो सिंघा साहब का मिशन है और हम यूनिवर्सिटी वाले भी चाहते हैं, हमारे वाइस चांसलर साहब का विशेष मिशन है कि भाई ठीक है हिल्स ऊंचाई के वालों के लिए काम हो रहा, पर मिड हिल्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें स्टोन फ्रूट ही हमारे पास ऑप्शन है। और स्टोन फ्रूट में अगर बात करें, अगर हम आर्थिक की दृष्टि से देखें, इकोनॉमिक अगर एंगल हम वॉच करें, तो प्लम हैज़ गॉट बेटर फ्यूचर। और ख़ासकर ऐसी भी नहीं कि ये जो वराइटियाँ कुछ नहीं हैं, पहले भी थी जी, मगर क्योंकि एप्पल का डोमिनेंस था, जैसे फ्रायर, ब्लैक एम्बर, मिथले, इनकी बात करते हैं हम, तो ये जब हम पढ़ते थे नौनी में तब भी ये वराइटीज़ थी, बट बिकॉज इट वॉज डोमिनेंस ऑफ एप्पल ओनली, पीपल यूज टू टॉक ओनली अबाउट एप्पल, तो इनको कोई पूछता ही नहीं था, रिसर्च मोड में रहे, उसी स्टेज में रहे, ना रिसर्च में हम आगे बढ़ पाए, ना जैसे एप्पल में हम कहते हैं ट्रेनिंग प्रूनिंग का कंसेप्ट कितना चेंज हो गया,
जो पहले करते थे सिस्टम वो काफ़ी चेंज हो रहा है, डेंसिटी में बिल्कुल बदलाव आ गया, मेहता साहब जैसे लोग आ गए, अभी ये बिल्कुल अलग से क्लास दे रहे हैं कि भाई इस लाइन पे जाना चाहिए जिन्होंने नया काम करना है, पुराने तो जो है उसके साथ ही हमें आगे चलना है, थोड़ा बहुत उसको कैनोपी को मैनेज करना है। अब जैसे एक प्लम में आप जो इशू है हमारे पास वो है कि भाई प्लम लगाएं तो कौन सा लगाएं, इट इज़ स्टिल ए क्वेश्चन, काम कर रहे हैं कुछ हम देख ही रहे हैं, तो ये एक पहल अच्छी है कि प्लम ग्रोअर जो फोरम है ये प्रयास कर रहा है कि भाई वैरायटीज़ को हम इंट्रोड्यूस करें, फिर जगह जगह पे जो इनका एक अच्छा जो मुझे कंसेप्ट लगा ये कि अलग अलग लोकेशंस पे पूरे हिमाचल में ये पौधे बांट रहे हैं, और उससे फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग लोकेशन पे कौन सी वैरायटी किस तरह परफॉर्म करेगी। इनसे हमने निवेदन यही किया था कि भाई इवेल्यूएशन अगर जल्दी करनी है, प्लम को जल्दी किसानों तक बढ़ाना है, तो ये एक माध्यम है। वी शुड हैव मल्टी लोकेशन ट्रायल्स, तो अपने आप ही ट्रायल हो गए, अगर रिसर्च मोड के माध्यम से ही जान पाएंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो दैट्स द राइट फोरम। अब हमारा जो यूनिवर्सिटी के साथ इनका वो है MOU साइन करने की बात कर रहे हैं हम कि हमारे साथ MOU साइन करें ये, और फिर जो फील्ड से डाटा, जब तक डाटा की ऑथेंटिकेशन नहीं होती कि भाई 1500 जो आपका 4500 है उस पर इस डेट को उस वैरायटी की फ्लावरिंग हुई, उस डेट पे वो हार्वेस्ट हुआ, और सेम वैरायटी 5500 पे कब हुई, 6500 पे कब हुई। अब हम कह तो रहे हैं जैसे भाई फॉर्च्यून इज़ फॉर हायर एलिवेशन, एंजिलिनो इज़ डेफिनेटली फॉर हायर एलिवेशन, और साथ में ब्लैक एम्बर और फ्रायर की भी बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट जो इनकी वो पोजिशन है, अगर हम कमर्शियल एंगल छोड़ दें, दो एंगल है ना जी, एक प्रोडक्शन एंगल है, एक कमर्शियल एंगल है, पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर सेलिंग ऑफ प्लांट्स थ्रू नर्सरी, दैट्स ए डिफरेंट एंगल, बट जो असली एंगल है वो तो यही है कि इट शुड रीच टू दी फार्मर्स, वो फार्मर जो मार्जिन की लैंड मार्जिनल हो गई है या छूट रही है, वो एप्पल में हम नहीं डाल पा रहे हैं, उस ज़मीन को प्लम के तहत हमने डालना है। ये हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है, और वैरायटी क्योंकि अब इंपोर्ट वगैरह आसान हो गया है, प्रक्रिया सेटल हो गई है, फार्मर्स भी जान गए हैं कैसे इंपोर्ट करना है, डायरेक्टली लोग मंगा रहे हैं, बेसिक जो प्रक्रिया हो रही है, तो जब वैरायटी आ रही है डिफरेंट लोकेशन पे उनकी जोनोजाइजेशन हो जाए जोन वाइज, तो इवेल्यूशन जल्दी हो जाएगी। जब इवेल्यूशन हो जाएगी तो हम ये हो जाएगा भाई इस लोअर एलिवेशन पे ये वैरायटी चलेगी, मिड में वो चलेगी, उससे ऊपर वो चलेगी, बेस्ड ऑन दी डाटा। डाटा जो बेस है वो ज़रूरी है जी, तब हमें रिकमेंडेशन करनी चाहिए। हम देखते हैं कई बार रिकमेंडेशन कर लेते हैं जी वहाँ वो लगा लो, पर वो एक वैसे ही होगी जैसे हम दूसरे कई सिस्टम में भी कर रहे हैं भी ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, आई कैन नॉट नेम दैट पर्टिकुलर सिस्टम, पर ऐसा हम मतलब जस्ट आप अपना हाइपोथेसिस दे दो और वो करवा लो, तो दैट सिंपली हाइपोथेसिस, वंस इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द डाटा वी कांट से इट इज़ ए ऑथेंटिक थ्योरी, तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें ये करना ज़रूरी है, और उसके लिए जो स्टेक होल्डर है वो आप लोग ही हैं, आप लोगों से ही वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप लोग ही हम सबके लिए, हमारा तो म्यूचुअल बेनिफिट है, फार्मर और यूनिवर्सिटी का दोनों का बड़ा कंधे से कंधा मिला के अगर हम काम करेंगे तब हम आगे उसमें मिशन में बढ़ सकते हैं। अब जहाँ तक रही प्लम कल्टीवेशन की बात, प्लम बड़ा जैसे मैंने कहा भी इग्नोर्ड फ्रूट रहा है, ये प्रायर अटेंशन इसको नहीं मिली है, जगह भी नहीं मिली है। अगर हम आज भी हम बात कर रहे हैं प्लम की तो सूखे जगह में ही कर रहे हैं, ये बात स्वाभाविक है कि अगर हम अच्छी लैंड नहीं दे पाएंगे, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो सबके लिए उपजाऊ ज़मीन है, तो जितनी अच्छी जगह देंगे प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए हमें, दैट्स श्योर। अगर हम ये सोच लें कि बिल्कुल पत्थरों पर पहाड़ों पर ही हम प्लम उगा लेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, और अगर करना है तो उसको इनपुट भी उतने ही देने पड़ेंगे, वी हैव टू टेक केयर ऑफ वाटर, एटलीस्ट जो फिजियोलॉजिकल बेसिक प्रोसेसेस हैं उतना पानी तो लाइफ सेविंग वाटर से तो वो जिंदा ही रहेगा ना, अगर उसे प्रोडक्शन लेनी है तो उसको प्रोडक्टिव लेवल की डाइट उसको देनी पड़ेगी, हाँ वो न्यूट्रिशन पार्ट उसका पूरा करना पड़ेगा, तभी हम वो जैसे कह रहे हैं भाई बड़ा साइज हो जाएगा हमारी, उसकी शेल्फ लाइफ भी ठीक रहेगी, अगर वो स्ट्रेस में पैदा कर रहे हैं हम प्लम तो उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी नहीं हो सकती, वी कांट एक्सपेक्ट इट, क्योंकि वाटर कंटेंट लेवल रहेगा ठीक, मोबिलिटी तभी मेटाबोलाइट्स की होगी, न्यूट्रिएंट्स की होगी, तभी वो स्टेबल होगा, अदरवाइज अगर वो अपने लिए जिस उसको जिंदा रहने के लिए जूझना पड़ेगा तो
तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो चलो जितना भी हो सकता है वाटर रिसोर्सेज हमें एक्यूमुलेट करने चाहिए, और जहाँ तक आप खैर कर रहे हैं धीरे धीरे, हमारे यहाँ जो बिल्कुल अनअटेंडेड एस्पेक्ट हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, और तो कोई सोर्स नहीं है, क्लाइमेट वार्म हो ही रहा है, मगर जैसे कैसे भी अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में इधर तो बल्कि उससे ज़्यादा ही होती है इस पोर्शन में तो, पर ओवरऑल हम देखें तो 95 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, विच इज़ ए ह्यूज चंक, कम नहीं है। मगर हमारा यही, हमारा टारगेट ये रहता भी खाले में सोर्स है, वहाँ से पाइप से हम टैप कर लेंगे, या कहीं से स्कीम आ रही है, आईपीएच की स्कीम है जी, नल का बना लिया। काफ़ी सारे लोग ऐसा भी कहते कि जी वहाँ आईपीएच की स्कीम है, मैं टैंक बना रहा हूँ। यू कैन नॉट रिलाई अपॉन आईपीएनसी, पीने को पानी नहीं मिलना तो आपके पौधों के लिए कहाँ लोग स्पेयर कर सकते हैं। फिर कहते हैं जी मेरी शिकायत कर दी लोगों ने, ओबीएफ से पीने की रिक्वायरमेंट पहले, बाद में दूसरी रिक्वायरमेंट है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हमारे को बहुत जोर देना चाहिए, और छतों का पानी अगर हम हार्वेस्ट करें तो काफ़ी सारा पानी होता है। इन्वेस्टमेंट एक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि हमारे अच्छे टैंक बन जाए तो हम हार्वेस्ट कर लेंगे, और हार्वेस्ट कर लेंगे तभी हम ये जो पूरा पोर्शन है इस खाड़े से और नीचे तक का, अच्छी हम इसमें बागवानी स्टोन फ्रूट्स की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात ट्रेनिंग प्रूनिंग की, जो बड़ा मेजर इशू है, कई कंसेप्ट है, जैसे मैं अगर अमेरिका की बात करूं तो वहां तो ओपन सेंटर पे काम करते हैं, वो चाय पीच है चाय प्लम है, बिल्कुल वो सेंटर खोल देते हैं और वो ओपन कर रहे हैं। मगर उधर क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, वो लाइट का इशू है, वहाँ लाइट डेफिनेटली इशू है, यू हैव टू मैनेज लाइट। अगर हम वैसे देखें तो उस एंगल से हमारा लाइट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट में हम बहुत रिच है, बड़े भारी रिच है। अगर लाइट का हम ड्रॉबैक हमें रह रहा है तो अगर आप सेब में भी देखें, इंटर प्लांट जो हमारी डिस्टेंस है वो कभी हमारी हिंड्रेंस नहीं रही है, पर कैनोपी के अंदर की जो इंटरनल शेड है वो ऑलवेज हिंड्रेंस है, आज भी हिंड्रेंस है। ऊपर हमें अच्छा फल मिलता है, बीच में दरमियाना और नीचे वाले में तो रंग आता ही नहीं, आ रहा है तो आपको काफ़ी लेट करना पड़ेगा, पर बरसुली आता ही नहीं है। तो वो हमारी इंटरनल इंडिविजुअल प्लांट कैनोपी मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है, अदरवाइज लाइट में कोई ऐसा हमारा इशू नहीं है। जैसे हम करें तो यूरोप में कुछ कुछ पार्ट्स में जो है इसको सेंट्रल लीडर पे डाल के फेदरिंग सिस्टम में भी कर रहे हैं कुछ एरियाज में, मगर ट्रेडिशनली जो है वो ओपन सेंटर है। तो हमारा यूनिवर्सिटी का एंगल ये है कि भाई लेट अस ट्राई ओपन सेंटर में भी हम देख ले, ये जो हम ट्रायल कर रहे हैं यहाँ एक, तो उसमें हम एक ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, दो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं यहीं पे। तो एक हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे कर रहे हैं, उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड डोज रहती है, जो रिकमेंडेशन पुरानी है उसको भी कर रहे हैं, उसमें हमारे फिर ऑर्गेनिक कुछ सप्लीमेंट्स, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं साथ में ही। तो उन सब में से जो ठीक निकलेगी वो फिर फार्मर्स को रिकमेंड हो जाएगी। तो हमने इसी साल वो काम स्टार्ट करा दिया है। वन ऑफ माय पीएचडी स्टूडेंट अंशुल, ही इज़ ए लोकल बॉय, कौन सा गाँव है आपका अंशुल? कुमार सेन तो प्रॉपर नहीं है ना, वैसे गाँव चिमड़ा है सर। चिमड़ा, हाँ गाँव बताओ ना। तो ही इज़ ए लोकल बॉय, यहीं से है, तो इसको हमने इसीलिए, मैंने कहा नज़दीक में इसको आने जाने की भी दिक्कत नहीं रहेगी तो मैनेज कर लेगा ये लड़का। तो ये कर रहा है, इज ए क्वाइट जीनियस गाय और हार्ड वर्किंग है, जैसा इसको डायरेक्शन देते हैं ये कर रहा है और करेंगे हम। तो वो एक्सपेरिमेंट बेंडिंग पे भी हम काम कर रहे हैं, हम ओपन सेंटर पर टाल के भी करना है कुछ बेंडिंग एंगल्स में, कुछ अब जो आने वाले सीजन में है, अभी तो जो बेंडिंग कर दी इन्होंने कर दी, दैट कांट बी चेंज्ड। नेक्स्ट सीजन में जो आते हैं उसको हम अपने जो हमने ज्योमेट्री एंगल की अपनी सोची है, डिज़ाइन की है, जो हाइपोथेसिस दिया है उसके हिसाब से हम इनको बेंड करके ओरिएंटेशन देके फिर उसका इम्पैक्ट देखें। एंड इट विल नॉट बी यू नो लास्ट विद इन टू ईयर्स, ही विल बी आउट बाय टू ईयर्स, मे बी प्रोबेबली थर्ड ईयर में नहीं जा सकते, कैरियर का सवाल है, बट वी विल कंटिन्यू द स्टडी। दो साल में तो हो भी नहीं सकता, तो इसके बेस को डाल के उन एंगल्स को मेंटेन करके हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई जैसे हम एप्पल में बात करते हैं, एप्पल में अब कंसेप्ट है कि भाई आप सभी लोग हम रियलाइज भी करते हैं, अब फार्मर भी रियलाइज करती है, हमारी ग्रोथ बहुत होती है, फ्रूट कम लगता है, और प्रॉब्लम हमारी यही है कि प्रूनिंग हम जो है ना वो एनकरेज करते हैं कि ग्रोथ भी चलती रहे और बीमा भी बनता रहे और फल का साइज भी अच्छा होना चाहिए, तीन काम इकट्ठे नहीं हो सकते। और हमारी जो सबसे बड़ी माइंडसेट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेड़
बढ़ता ही चला जाना चाहिए, उम्र भी उसकी बढ़ती चली जाए और पेड़ भी बढ़ता चला जाए। इट इज़ अगेंस्ट फिजियोलॉजी। हर जीव की बढ़ने का, जिसने फल देना है, एक लिमिट है, एप्रोप्रिएट साइज है। तभी आप उस एप्रोप्रिएट साइज तब जाएगा तब वो एप्रोप्रिएट आपको प्रोडक्शन लेवल दे सकता है। दोनों काम नहीं हो सकते तो ग्रोथ हम चेक नहीं करते। ग्रोथ भी चाहिए और उस चक्कर में दो दो प्रॉब्लम हमें खड़ी हो जाती है। एक प्रॉब्लम ये कि इंटरनल शेडिंग हो जाती है क्योंकि ब्रांचेज आउट हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो अल्टीमेटली तो शेड आनी है उनकी। और जो अंदर का एरिया है हमारा जो मेन स्टेम के साथ है, अब पता नहीं आज कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जो फ्रूट मेन टहनी के साथ लगा होगा, मेन स्कैफोल्ड के नज़दीक रहेगा, उसका साइज बड़ा और क्वालिटी अच्छी होगी। होगी कि नहीं होगी? कितने लोग सहमत है मेरे से इस बात से? बट एनकरेजिंग ग्रोथ चलती रहे हमारी, तो जब चलते रहेंगे तो फिर मेन उससे तो दूर चले गए ना हम। वी कांट एक्सपेक्ट साइज, वी कांट एक्सपेक्ट क्वालिटी। तो इसलिए हमें साइज को एक एक बनाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं इसको जाने देना। और एप्पल में तो बड़ा सिस्टम है, स्टोन फ्रूट में तो ऐसा नहीं होता। एप्पल में तो हमारा जो रिंग बनता है, यू कट इट एट रिंग, यू चेक द ग्रोथ, मतलब ही नहीं कि आगे खिसक जाए, हो मतलब ही नहीं है कोई। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि करना है कहीं, तो रिजुविनेशन कट पीछे से दे दो, वो एनकरेज कर जाएगा, जो लेटेस्ट कंसेप्ट है। तो मगर हमें तो इसका इंटीग्रेशन करना है, धीरे धीरे हम उसको कम करें, पुरानी जो शूट्स है उनको निकालते रहें, ताकि हमारा प्रोडक्शन लेवल भी नीचे ना जाए, हम सस्टेन भी करें और रिजुविनेट भी हो जाए। क्योंकि रीप्लांटेशन से तो जब तक हो सकता है रिजुविनेशन ही करनी चाहिए। आप लोग कितने सहमत हैं मेरे से? हाँ, इट इज़ नॉट गुड। दैट्स द ट्रेंड, दैट्स द ग्लोबल ट्रेंड। वैसे तो हम उस ट्रेंड से तो बहुत बाहर है ना। उस ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अभी मैं यूएसए से आ रहा हूँ, तो वहाँ तो अगर आप शक्ल देखेंगे ना सेब की, तो हम लोग कहेंगे यार क्या सिस्टम है, देखने में इतने भद्दे कि यू कांट इमेजिन इट। बिल्कुल ठुंड है जी वो, मगर भरे पड़े हैं बीमों से। साइज कंटेन है, 12 फुट है तो 12 है, चौड़ाई इतनी कर है तो इतनी है, इससे ज़्यादा तो है भी नहीं ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और न्यूट्रिशन फुल है तो अल्टीमेटली कहाँ जाना, वो फ्रूट को ही जाना है ना। तो वी हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस। तो वो हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा। मेरे दो स्टूडेंट रीप्लांट प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। जब मैं ताबो से आया, मैं खुद भी जमींदार हूँ, मैं सिरमौर का रहने वाला हूँ, बड़ा बैकवर्ड जमींदार हूँ, और फादर के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े कर करके मैंने बगीचे उगीचे लगाए। एक दो बार मैं खुद भी ब्लॉक से पौधे ले आके लगाए और वो सब खराब निकले। जब चेंज किए, अब रीप्लांट प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू हो गया मेरे लिए जी। लगाता हूँ, 4-5 साल बड़ा भी हो जाएगा और फिर सूख जाता हूँ। तो मेरा ये जो मेरा अपना तजर्बा है, जब तक हो सके हमें रिजुविनेशन पे कंटेन करना चाहिए। रिजुविनेशन को एनकरेज करते रहो। निकाल लिया पौधा और उसी जगह दोबारा पौधा लगाना, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। आप लोग क्या कहते हैं? व्हाट इज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? ये लेवल है, इसके नीचे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। या हाइट में जहाँ मॉइस्चर अच्छा है वहाँ तो हो जाता है, वहाँ हो जाता है, वहाँ कोई दिक्कत, वहाँ हो जाता है, अगर आप प्रोवाइडेड कि उसके लिए स्पेस ठीक दे रहे हैं। हाँ, छाँव छू हाँ, नहीं है हाँ, शेड नहीं है ऊपर का, रूट वो नहीं है, मगर वो भी जद्दोजहद से ही होगा। अगर आप वर्जिन सॉइल पे कर रहे हैं, जैसे वो उठेगा उस गति से नहीं उठ सकता, प्रॉब्लम है। तो जब तक हो सके हमें रिजुविनेट करके इसको ऐसे करना चाहिए। खैर, सेब का आपको सबको पता है, मैं तो एक ट्रेंड की बात कर रहा था।